फिर से एक बेहतरीन ईयरबड्स लेके आ गया, बट आपको बाय करना चाहिए या नहीं ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बीच बीच में कॉलिंग टेस्ट भी करते हुए चलेंगे। सो भैया ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए अगर ये ईयरबड्स बाइंग लिस्ट में है तो। सो भैया इस वीडियो में हेवी टेस्टिंग होगा, कॉलिंग वगैरह लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 2300 का मिल रहा है बट कूपन वगैरह जोड़ के 2000 से परचेस किया, तो प्राइस की प्रोस्पेक्टिव से जस्टिफाई करता है कि नहीं इस वीडियो में चेक करेंगे। भाई चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल ना जाओ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद ट्रू रिव्यू। सबसे पहले हमारे को बढ़िया पैकेजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ब्रांडिंग एंड मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, अलग से फीचर प्रिंट नहीं किया है, बॉक्स नीट एंड क्लियर देखने को मिल जाएगा। बॉक्स में ईयरबड्स हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, मस्त प्लास्टिक से कवर अप, अलग से एक डब्बा देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सारे तामझाम देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक यूजर मैनुअल दी गई है और यहाँ पर सारे फंक्शनलिटी प्रिंट कर दिया है, एक टाइप से चार्जिंग केबल मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी मस्त है, एक्स्ट्रा 2 पेयर ऑफ ईयरटिस्ट देखने को मिल जाएगा, अपने कान की साइज के अकॉर्डिंग लगा लेना। साथ में एक स्टिकर भी दी गई है, छाती वाते में चिपका लेना अगर चाहिए तो। ईयरबड केस हमारे को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बढ़िया मैट फिनिश में और यहाँ पर स्क्रेच वगैरह भी इजिली नहीं आएगा। केस का साइज भी कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टेक्सचर टाइप के वन प्लस का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और लुक एंड फील काफी जबरदस्त है। एलईडी इंडिकेटर यहाँ पर दी गई है, नीचे की तरफ आए, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक बटन भी दी गई है रिसेट के लिए। केस में ईयरबड्स डल के 15 सेकंड तक इस बटन को होल्ड करते ही रिसेट हो जाएगा। भैया केस खोलते ही हमारे को ईयरबड्स कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, बढ़िया पैक एंड ईयरबड्स का लुक एंड फील काफी जबरदस्त है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी जबरदस्त बनाया है। ईयरबड कुछ इस तरह डंबल शेप का एंड कॉम्पैक्ट साइज में मैट फिनिश एंड ग्लॉसी कॉम्बिनेशन में काफी जबरदस्त बनाया। वैसे मैग्नेट भी बहुत सही दिया, इस तरह से जार करने से भी नहीं गिरता है, हिंज वगैरह बहुत ही सही है, हिंज वगैरह के लिए कोई इश्यू नहीं दिखा। सही में दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी प्रॉमिसिंग दिया है, बिल्ड क्वालिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। साथ में दोस्तों ईयरबड्स काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, कान में बढ़िया पैक हो जाता है यार, बड़े छोटे जैसा भी साइज का हो, तो ये चीज मुझे काफी जबरदस्त लगा। रनिंग जॉगिंग या फिर जिम वगैरह में आराम से आप यूज कर पाओगे। हमने काफी बार ईयरबड्स गिराने की ट्राई किया बट काफी अच्छे से फिटिंग हो जाता है। IP55 के साथ वाटर एंड स्वीट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दी गई है। यस दोस्तों फास्ट पेयरिंग हो जाता है, साथ में गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी है, इंस्टेंट वर्क एंड पेयर टेक्नोलॉजी के साथ 12.4 mm का टाइटेनियम ड्राइवर भी दी गई है, तो म्यूजिक एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली अच्छा ही होना ही है, वैसे आगे देखेंगे। SBC AAC सपोर्ट करता है, साथ में ड्यूल डिवाइस पेयर कर सकते हो, अगर चाहो तो ऑफ करके भी रख सकते हो, क्वाड माइक ENC 4 माइक सेटअप के साथ। साथ में दोस्तों गेमिंग मोड भी मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मोड दी गई है, 32 डेसिबल का ANC भी दी गई है, तो थोड़ी देर में ANC के बारे में बात करेंगे। 43 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, एक सिंगल चार्ज पे 9-10 आवर का प्लेबैक टाइम ईयरबड्स में ही मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों बैकअप डिपेंड करेगा आप कितना वॉल्यूम पे सुन रहे हो, साथ में ANC ऑन है कि नहीं, अगर ANC ऑन करके म्यूजिक सुनोगे बैटरी थोड़ा सा जल्दी ड्रेन तो होगा ही, ये ऑब्वियस है। फिर भी दोस्तों मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ बैटरी बैकअप प्रॉमिसिंग मिल जाता है, बैटरी बैकअप को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है। साथ में दोस्तों 10 मिनट चार्ज पे 10 आवर तक म्यूजिक सुन सकते हो, 3-4 टाइम चार्ज कर सकते हो केस के थ्रू। दोस्तों फीचर्स काफी जबरदस्त दी है, फीचर्स को लेके कोई इशू नहीं है। चलो अभी म्यूजिक क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हेम ऑलरेडी ऐप का जरूरत होगा क्योंकि यहाँ से ही सारे चीज एक्सेस होगा, या फिर ब्लूटूथ सेटिंग में जाके ईयरबड फंक्शन से ही सारे चीज एक्सेस कर सकते हो, जैसे नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन ऑफ करना, ये सब चीजें। दोस्तों अगर चाहो तो बड्स में लॉन्ग प्रेस करते ही नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये सब फंक्शन ईयरबड से ही कर सकते हो। अगर दोस्तों ANC के बारे में बात किया जाए, ANC मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, जब ANC ऑन करके रखोगे नॉर्मल सिचुएशन में एक्टिविटीज काफी अच्छे से नॉइस कैंसलेशन कर देता है, ऑल्सो हेवी ट्रैफिक में भी काफी अच्छे से नॉइस कैंसलेशन कर पाता है, अगर साइड में कोई जोर जोर से चिल्लाए हल्का हल्का सा आवाज मिलेगा तो भैया नॉइस कैंसलेशन लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। ANC मुझे काफी जबरदस्त लगा। अगर ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में बात किया जाए, ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी अच्छा है, वैसे रोबोटिक आवाज वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ में दोस्तों साउंड मस्टर इक्वलाइजर मोड भी देखने को मिल जाएगा, 3-4 प्रीसेट मोड दी गई है, अगर चाहो तो हर एक मोड का आउटपुट अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, अगर चाहो तो इक्वलाइजर मोड अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो, अगर बेस बूस्टेड चाहिए या फिर क्लियर वोकल चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑल्सो टच कंट्रोल वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, वन टैप में क्या होना चाहिए, डबल टैप में क्या होना चाहिए, टच करके होल्ड करके रखोगे तब क्या होना चाहिए, तो भैया ये सब टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। साथ में अगर आपका मोबाइल में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो इसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। साथ में दोस्तों गेमिंग मोड भी दी गई है, कंपनी 94 ms का लो लेटेंसी क्लेम की है,
बट चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों गेमिंग जितना मैंने एक्सपीरियंस किया लेग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो बढ़िया गेमिंग भी कर सकते हो। साथ में दोस्तों स्टीरियो साउंड भी बढ़िया मिल जाता है, जैसे राइट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में क्या चल रहा है। चलो अभी कॉलिंग क्लियरिटी के बारे में बात किया जाए। दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस किया कॉलिंग क्लियरिटी बढ़िया मिल जाता है। मैंने 2-3 एनवायरमेंट चेंज किया, हाई ट्रैफिक में भी बात किया और नॉर्मल कंडीशन में भी बात किया, तो कॉलिंग के लिए मुझे कोई इशू नहीं दिखा। अगर दोस्तों धीरे धीरे भी बात करोगे काफी अच्छे से क्लियर एंड क्रिस्प आवाज मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो 4 माइक सेटअप दी गई है ना, बहुत अच्छे से काम करता है ये। दोस्तों कॉलिंग के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, काफी बढ़िया वॉइस क्वालिटी मिल जाता है। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हेवी ट्रैफिक में जो हॉर्न का थोड़ा बहुत आवाज मिलता है ना, ये कोई भी ईयरबड्स रिमूव नहीं कर सकता, ये नॉर्मल ही है। तो यार इतना मैं बता सकता हूँ, कॉलिंग के मामले में एक मनी वर्थी प्रोडक्ट है। हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ आवाज तो सुनाई दे रहा है। अभी मैं एक ईयरबड टेस्ट कर रहा हूँ, ये बताइए मेरा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ वॉइस तो क्लियर ही है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके, अगर मैं इस ईयरबड से बात करे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत अच्छे से सुनाई भी दे रहा है, क्लियर भी है, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ओके धन्यवाद जी। चलो गाइस अभी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इस ईयरबड्स को म्यूजिक टेस्टिंग के लिए काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, तो इसका साउंड क्वालिटी मुझे पता है। ऑफ कोर्स गाइस इस ईयरबड्स से काफी लाउड मिल जाएगा। गाइस मैं इतना बताना चाहता हूँ यार, सेफ्टी के लिए 70-80% वॉल्यूम पे ही म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई इतना जो लाउड दी है ना बहुत ही ज्यादा है। एंड मजे की बात यह है, फुल साउंड देने के बाद भी बिल्कुल भी डिस्टर्शन नहीं मिलता है, चाहे 100% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनो डिस्टर्शन सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इस ईयरबड्स में जो 12.4 mm का टाइटेनस ड्राइवर दी गई है ना, एक्चुअल में अच्छी तरह से काम करता है, म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। यस गाइस अगर आपको एक्स्ट्रा डीप बेस चाहिए ना, इस ईयरबड्स ही दे सकता है। देखो यार डीप बेस एंड म्यूजिक क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों बेस में ओवरपावर बिल्कुल भी नहीं करता है। भाई मैं इतना बताना चाहता हूं, अगर म्यूजिक लवर हो डेफिनेटली इस ईयरबड्स को ट्राई कर सकते हो इस प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों बेस बूस्टेड मोड काफी अच्छे से काम करता है, अगर एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो डेफिनेटली बेस बूस्टेड मोड में ही म्यूजिक सुनना काफी मजा आएगा। एक्चुअल जो पंचीनेस है ना बेस बूस्टेड मोड से ही मिलेगा, नॉर्मल मोड में आपको बैलेंस म्यूजिक सुन सकते हो, सेपरेशन वगैरह बहुत अच्छे से काम करता है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा और भी 2-4 मोड देखने को मिल जाएगा, अपने हिसाब से लगा लेना, सारे मोड अच्छे से काम करता है। साथ में एक डायनामिक बेस बूस्टेड मोड मिलेगा, तो इसमें थोड़ा हल्का वल्का चेंजेस आता है। दोस्तों मैं इतना बता सकता हूँ, ये ईयरबड्स म्यूजिक के मामले में पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, भाई म्यूजिक के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑफ कोर्स फिटिंग के मामले में तो पहले ही बता चुका हूँ, फिटिंग भी बहुत ही शानदार मिल जाता है। अगर दोस्तों 2100-2200 रुपीस में मिल रहा है डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों मैं इतना बता सकता हूँ, बहुत ही जबरदस्त ईयरबड्स से अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, सबसे लोएस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर दोस्तों इस ईयरबड के साथ कोई भी ईयरबड कंपेयर करना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो भैया उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिले होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। भाई एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर ये ईयरबड्स कोई लेने जा रहा है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना।